गलत बात है यहाँ, लड़ना पिटना नहीं है। किसी ने बताया था, किसी ने बोला था मुझे कि डॉगी को लड्डू नहीं खिलाना चाहिए। अरे भैया मेरे, इसे मैं 3 साल से मैं लड्डू ही खिला रहा हूँ 3 साल से। और भी है, इसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जितना अपने आप से करता हूँ। क्यों बोलता है क्या? आप सबको बस इतना बताने का रीजन ये है कि प्रसाद जो होता है, भैरव जी का जो प्रसाद होता है, माता रानी का प्रसाद होता है, अच्छे इंसान को, जो अच्छे अच्छे इंसान होते हैं, जो मरने वाले होते हैं ना, उनको जिंदा करा देता है। ये तो फिलहाल हमारे अपने भक्त हैं, बच्चे हैं। गलत काम नहीं करने का पागल भाई, गलत नहीं करने का। चल, प्राण अगर किसी का लेगा तो तेरे पे हमें किस पे कुछ फर्क है गधे? किसी की जान लेना हमारा अधिकार नहीं, जीवन दान देना हमारा अधिकार है। ठीक है, तो बस आप सबको इतना ही कहना चाहूंगा, दिल लगी सबसे रखो। संसार में हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और मैं आप सबको एक चीज दिखाना चाहूंगा, आप बिलीव नहीं मानोगे। मेरा जो ऑफिस है यहाँ पे, आप देख लो, यहाँ पे दिखाइए, आप कैमरा दिखाओ, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि दुर्गा माता है, बजरंग बली है। दूसरा मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे यह है भैरव जी। ये जो भैरव है, एक बार कैमरा मेरे तरफ ला लो, ये भैरव जी है। यहाँ पे देखो, व्हाइट डॉकी है। ये क्या करता है, ये जो मेरा शेर है, दरवाजा ऐसा खुला रहता है और यहाँ पे बैठता है उनकी तरफ मुख करके। क्यों मालूम है? भैरव जी का आस्था उसके अंदर बहुत है और साथ में देख रहा है कि वहां पे डॉकी खड़ा है, इसलिए उनके अंदर आस्था बहुत है। तो इसीलिए बता रहा हूँ, जब जानवर समझते हैं, आप भी समझने की कोशिश करें। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं, इंसान का शरीर बड़े नसीब से मिलता है, उसके लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है जब ऊपर वाले के पास होते हैं, कि हमें मृत्यु लोक मतलब कि संसार में आना है, पृथ्वी लोक पे आना है हमें। 33 कोटि देवी देवता है ना, वो भी इसके लिए तरसते हैं। जब हम संसार में हैं तो संसार के लिए कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए। समझ में आए? अभी देखो मेरा शेर सो रहा है। और आप सबको बड़ी बात बताऊंगा मैं, कि उधर भी दिखा दो, वहां पे अभी सब घूमने गए, वहां पे दिखाओ। आप सबको मैं इतना बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पे कोई बुरी आत्मा आता है ना, तो सबसे पहले ये मंत्र पढ़ते हैं, चिल्लाना चालू कर देते हैं। कोई बाहरी आदमी आके यहाँ पे नाटक करता है ना, तो पहले ये लोग उसे दुनियादारी खत्म कर देते हैं उसकी। तो मुझे एक बात याद आया जिसे मैं बताना चाहूँगा, काशी विश्वनाथ में जब आक्रमण हुआ था, काशी विश्वनाथ में जब मुस्लिम भाइयों का आक्रमण हुआ था, औरंगजेब, आपने नाम सुना ही होगा, भैरव जी के मंदिर को अछूता बनाने के प्लान में रखा और प्लान बनाते गया। जिस टाइम पे वो भैरव जी के मंदिर पे अटैक किया, ऐसे ही कुत्ते निकले, इतने कुत्ते निकले कि जितने आप समझ नहीं सकते हो। हर एक सिपाहियों को काटा है और हर एक सिपाही पागल हो गए। पागल होने के बाद क्या हुआ, वो अपने ही लोगों को काटना चालू कर दिया। औरंगजेब सोचा कि अगर हमें भी काट लिया तो हम भी पागल हो जाएंगे, इसलिए भाग गया। भैरव जी के मंदिर को हाथ लगाना तो दूर, उसके समीप तक नहीं जा पाया। ये है हमारा सनातन सत्य और सनातन की सारी शक्तियां। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी।